दोस्तों, वैसे तो मानुषी चिल्लर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनको चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। 14 मई 1997 को हरियाणा के छोटे से शहर सोनीपत में मानुषी चिल्लर का जन्म हुआ था। उनकी माता नीलम चिल्लर एक डॉक्टर हैं और पिता एक डॉक्टर के साथ साथ DRDO में साइंटिस्ट भी हैं। मानुषी की माँ के अनुसार बचपन में मानुषी थोड़ी चंचल व शरारती स्वभाव की थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई वो अपनी माँ से इंस्पिरेशन लेने लगी। मानुषी बड़ी होकर अपनी माँ की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने सेंट थॉमस स्कूल दिल्ली से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही अच्छी हाइट व सुंदर लुक्स होने की वजह से मॉडलिंग की तरफ रुझान हो गया और कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने सोनीपत के भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेडिकल की पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग के कई इवेंट जीते। जून 2017 में मानुषी चिल्लर ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता, जिससे उन्होंने मिस वर्ल्ड 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अर्जित कर लिया। यहाँ से मानुषी चिल्लर के सपनों की उड़ान की शुरुआत होती है। सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी। उसके 17 साल बाद 18 नवंबर 2017 को मानुषी चिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इंडिया And there you have it, Miss World 2017. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में मानुषी चिल्लर से पूछा गया कि किस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए और क्यों। तो मानुषी चिल्लर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि एक माँ को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। ये सैलरी उन्हें पैसों के तौर पर नहीं बल्कि ढेर सारे प्यार और सम्मान के रूप में मिलनी चाहिए। मानुषी के इस जवाब ने सभी को प्रभावित किया। मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड बनने के बाद जब भारत लौटी तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और कई बड़े समारोह में सम्मानित किया गया। मानुषी चिल्लर उसके बाद कई विज्ञापनों में नजर आई। वह उनके टैलेंट और खूबसूरती की वजह से उन्हें सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज मूवी बतौर मुख्य हीरोइन करने का मौका मिला। सपने बुन लिए थे। इस मूवी में मानुषी चिल्लर ने पृथ्वीराज की प्रेमिका संयोगिता का रोल बड़े सुंदर ढंग से निभाया है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के कारण आने वाले समय में मानुषी चिल्लर कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। मानुषी चिल्लर के अनुसार उनके पसंदीदा हीरो में आमिर खान और अक्षय कुमार हैं व पसंदीदा हीरोइन प्रियंका चोपड़ा हैं। विदेश में मानुषी चिल्लर का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस पेरिस है। दोस्तों, MBBS की पढ़ाई करना, मिस वर्ल्ड बनना व इतने बड़े बैनर की मूवी द्वारा बॉलीवुड में एंट्री करना इतना आसान नहीं था। मानुषी चिल्लर की माँ का कहना है कि मानुषी ने स्कूल टाइम से ही अपने टारगेट फिक्स करके उन पर फोकस रखा। वो चाहे देर रात तक जाकर पढ़ाई करना हो या फिजिकल फिटनेस के लिए वर्कआउट करना हो, उन्होंने हमेशा अपने टारगेट को ध्यान में रखकर कड़ी मेहनत की है और इस छोटी सी उम्र में ही इतने बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमारे देश की दूसरी लड़कियां भी मानुषी चिल्लर को आइडियल मानकर अपने टारगेट पर पूरी तरीके से फोकस रखकर अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकती हैं। मानुषी चिल्लर का एक सपना यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल खोले और इस प्रोजेक्ट के लिए वह काम भी कर रही है। इसके लिए मानुषी चिल्लर को शुभकामना। धन्यवाद।